हस्तिनापुर वंश में कौरव और पांडवों के बीच में जुआ का खेल हुआ। शकुनी पांसे फेंकता रहा दुर्योधन की तरफ से, पांडवों को जुआ में हरा दिया गया। समस्त संपत्ति जब पांडवों की चली गई थी, ध्यान रखना द्रौपदी का दाव भी लगाया पांडवों ने, उस दाव को भी पांडव जब हार गए थे धर्मराज युधिष्ठिर, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास ये दाव लगा। फिर जुआ जैसा खेल नहीं, अगर हार ना हो तो कितो बढ़िया खेल है। 1 लाख को दाव धद्दो पत्ता सूदो परगो तो लखपति हो, और पच जाए उल्टो। जुआ जैसा खेल नहीं, अगर हार ना हो तो, और भाई जैसा संबंध नहीं तकरार ना हो तो, मित्रता जैसा रिश्ता नहीं अगर गद्दार ना हो तो, और खीर जैसा भोजन नहीं बीमार ना हो तो। जुआ का खेल हुआ, उसमें पांडव जब हार गए थे, अंत में 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास मिला, और यह शर्त लगी कि अज्ञात वर्ष में अगर कहीं पहचान लिए जाएंगे, देख लिए जाएंगे पांडव, तो 12 साल का वनवास और 1 साल अज्ञातवास फिर दे दिया जाएगा। तो आज पांडव 12 वर्ष का वनवास व्यतीत करके 1 दिन शेष रह गया था, केवल 1 दिन। उस समय विचार कर रहे थे धर्मराज युधिष्ठिर कि अब 1 वर्ष लगेगा अज्ञातवास, कहां व्यतीत करेंगे, कौन से नाम से और कौन से भेद से छिप करके समय व्यतीत किया जाएगा, ये विचार लगा रहे थे। अपने चारों भाइयों के बीच में युधिष्ठिर बैठे थे धौम ऋषि के आश्रम पे, और तब हुआ क्या है। सुनो सभा धरी ध्यान, अरे बैठ गए पांचों अब भैया, सींग में फंसाइए, सींग फंसाई भाज गए हो वन में, तब ब्राह्मण ने ध्यान लगायो, कछु सी दूर भजे पीछे के आंख में हिरन हाथ में आयो, thank you।
जिस समय धौम ऋषि की कुटी पर पांडव विचार कर रहे थे उस समय ब्राह्मण भाज के आए हैं, और ब्राह्मण ने जब कहा है धर्मराज युधिष्ठिर से कि तुम क्षत्रिय राजकुमार हो, और क्षत्रिय का यह धर्म है कि ब्राह्मण की और गाय की रक्षा करे, तो मेरी मंथन को हिरण लेकर के भाग रहा है, तो धर्मराज दुष्ट तुम ध्यान से सुनो, मेरी मंथन कहां से लौटवा दो उस हिरण से। जब दुष्ट ने ब्राह्मण के वचन को सुना है और तब अपने भैया को हुक्म दिया है, अपने भाइयों को हुक्म दिया और बोले क्या है, भीम धनंजय भाज की जयो, मुस्कुराहट लौटी के चलो अब धर्मराज कह रहे हैं तो मेरी मंथन वापस हो जाएगी। सोता बंधु आज दुष्टर ने भीम और अर्जुन से कहा कि जाओ, छत्रापन का कर्म है उसे करके लौटना, इनकी मंथन कास्ट को लौटाना। सोता बंधु आज पांचों भैया चले हैं उस हिरण का पीछा करने के लिए, और हुआ क्या है, समय का चक्र ऐसा घूमता है, प्रकृति का नियम ही है परिवर्तन करना, आपने देखा होगा और सब देखते हैं, कुछ समय में ही लोग आकाश को छू जाते हैं और जिस समय परमात्मा पटक मारता है तो धरती में घुसा देता है, उसकी तलवार इतनी बड़ी है कि उसकी चोटा तक कोई सहन कर नहीं पाया। इन धर्मराज दुष्टर की पूजा देवता करते थे और आज जंगल में भिखारियों के दर में आ गए थे, तो उस समय वो पांचों ब्राह्मण की मंथन कास्ट के लिए चले हैं उस हिरण का पीछा करने के लिए। कैसे, अरे हो तो सवेरे हुकम दो और पांचों चल के आए,
अब सहदेव सबसे छोटे थे, भैया का हुक्म बजाने के लिए पानी लेने के लिए चले हैं। आप चिंता न करें महाराज, आप बैठे छाया में, मैं पानी लेने के लिए जा रहा हूं, लेकिन पानी जंगल में नहीं मिला। तो सहदेव विचार करते हैं, आकाश की तरफ नजर की है, और ऊपर जब आकाश की तरफ देखा है तो एक जगह पक्षी उड़ रहे थे आकाश में। तो सहदेव ने विचार किया कि पक्षी अक्सर वहीं उड़ते हैं जहां नीचे पानी होता है। तो उन पक्षियों को देख करके जब सहदेव चले हैं तो एक बहुत सुंदर सरोवर बना हुआ था। उस सरोवर में एक यक्ष स्नान कर रहा था। जैसे ही वो जल में डुबकी मारता है चारों तरफ को पानी फैल जाता है। निकल के आता है तो फिर पानी वहीं आ जाता है। थोड़ी देर बाद जब सहदेव ने वो तरकस हाथ में लेकर के जल में कदम दिया है, पानी भरना चाहते थे, और जब पानी भरना चाहते थे उस समय आवाज आई है ऊपर से। क्या शब्द आया? अरे ऊपर आती है गई जी तू पानी,
50 रुपए का पुरस्कार है। कृष्णा बाबू उर्फ दम्मा पहलवान हीरापुर से, धन्यवाद। चिंता मत करो छोटे हैं सहदेव, कहीं जंगल में बैठ गए होंगे, थके हुए हों तो कहीं सोए न गए हों, तुम बैठो मैं जा रहा। नकुल जब पानी लेने के लिए गए, ध्यान रखना उस सरोवर की पार पर पहुंचे तो सहदेव पटरी पर पड़े पड़े थे। विचार करो कि तुम यहां सो रहे हो, नींद में सो रहे हो, भैया पानी को बैठे तो लाओ, तुम्हें तो बाद में जगाऊंगा, पहले लेकिन मैं पानी दो घूट पी लूं और भैया प्यार दूंगा। जैसे सरोवर में पैर दिया, नकुल पानी भरना चाहते तो उसी समय आवाज आई है ऊपर से, ठहर जाओ, जब तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तब तक न जल पी सकते हो न जल ले जा सकते हो। पर ध्यान नहीं दिया नकुल ने, उस शब्द पर ध्यान नहीं दिया और जैसे ही जल पीना चाहा वज्रघात हो गया नकुल पर, वो भी पटरी बिगड़ गई। अब कही युधिष्ठिर ने, भैया भीम आज मैंने जान पाई है, वैसे अब तक नहीं जानी पर अब मैंने समझ ली कि नकुल और सहदेव एक महतारी के और हम तुम तीन एक महतारी के। आज हुक्म को हटा दी, पानी लेकर दोनों में से एक भी नहीं आया। अर्जुन ने की, भैया गलती है गई, वही छोटे हैं, अब तुम बैठो जा मैं जा रहा हूं। तो जैसे ही अर्जुन चले हैं, ध्यान रखना जब उस ताल पर पहुंचे थे तो दोनों भैया पटरी पर पड़े हुए थे। आवाज दी पर लौट के आवाज नहीं आई। जब लौट के आवाज नहीं आई तो अर्जुन का ध्यान चला गया दूसरी तरफ, मेरे भैया नींद में नहीं है, मेरे भाई नींद में नहीं है, न नींद में सो रहे हैं, मेरे भाइयों पर वज्रघात किया और वज्र केवल देवराज इंद्र पर, तो मेरे भैयाओं को इंद्र ने मारा है। ये बात दिमाग में जब अर्जुन के आई तो उसी समय पार पर खड़े हुए हैं पारथ, ध्यान रखना जिसके गांडीव की धनुष को डोरी के हिलने से और देवता हिल जाते थे। आज अर्जुन ने कहा है कि हे देवराज इंद्र, तुम उबेई और मैं उबेई, पर तुमने मेरे भैयाओं पर वज्रघात किया है, मैं बोई पारथ हूं कौन सा, तो संकेत कर रहे देवराज इंद्र, सुनो। अरे धर्मराज के भैया
सौ बेटा है तो मिट्टी का हाथी बना दिया सौ बेटाओं ने, और जिसका पूजन आज गांधारी कर रही है तो गणेश का पूजन हो रहा है उनके घर में। और मोपे पांच, अगर मेरे सौ होते तो मिट्टी का हाथी आज मैं भी बनवा देती, एक एक पला भर के लाते तो बना देती। हे मैया ताकेले रो रही हूं तो चिंता मत करो, उन्होंने जन्मे सौ और तुमने जन्मे तीन, और दो मेरी सौतेली महतारी के, तो पांच पांडव बोले जाते हैं। तो मैया तुम भाई एक हाथी के लिए रो रही हो तो सुनो, thank you।
ध्यान रखना, तब कही देवराज इंद्र तुमने मेरे भाइयों पर वज्रघात किया तो मैं तुम्हें तो बाद में मारूंगा, पहले मेरे बड़े भैया पानी के लिए बैठे हैं, मैं उन्हें पानी पिला दूंगा। तो जैसे ही अर्जुन ने सरोवर में पैर दिया, जल भरना चाहते थे, आवाज आई है ऊपर से, ठहर जाओ, जब तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तब तक न पानी पी सकते हो न ले जा सकते हो। पर ध्यान उन्होंने भी नहीं दिया, ध्यान अर्जुन ने नहीं दिया, उसी समय वज्रघात हुआ, जहां दोनों भैया नकुल और सहदेव पड़े हुए थे उसी जगह अर्जुन को गिरा दिया, होश नहीं रहा। तब कही भैया भीम अब पानी मिलेगा नहीं, ये मेरा शरीर बेचैन है। भीम ने कि भैया अब एक काम करो, तुम थोड़ी देर और इंतजार करो, आज जे ये के में ही जे गए तो गए कहां तीनों के तीनों, और लौटो एकू नहीं। तो जब भीम गुस्सा में चले गदा धर के कंधा पे, तो सरोवर की पटरी पर तीनों भैया पड़े हुए, अरे दुष्ट न्यास हो गए हो नींद में, और भैया पानी को बेचैन बैठे, तुमने भैया के हुक्म का पालन, अब तुम्हें मैं मारूं तो तुम रोवोए, रोवोए तो फिर वो छुपा मने ऊपर होए, ताते तुम्हें तो बाद में जगाऊंगा, तुमने कहते यहीं परे रहो, पहले भैया पानी पिया दूं। सोता बंधु जो भीम ने जल में पैर दिया वही शब्द फिर आया, ठहर जाओ पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, उसके बाद जल पी सकते हो जल ले जा सकते। ध्यान रखना ऐसे पुत्र जन्मे थे कुंती ने, कि ये भीम जिस समय बचपन में पैदा हुए थे और कुंती की गोद में लग रहे थे, तो जंगल में शेर ने दहाड़ मारी थी, शेर ने, तो शेर को देख करके कुंती कांप गई थी और बच्चा हाथ से छूट गया था। जब वो बच्चा छूट कर जिस पत्थर पर गिरा था उस पत्थर के हजारों टुकड़ा उड़ गए थे, ऐसे बेटा जन्मे थे कुंती ने। तो चिंता मत करो, तुम्हें ऊ जगाऊंगा और भैया पानी पियाऊंगा, पर तुम अबे रोए अगर मारूं तो, ठहर जाओ ना। जो आवाज आई है कि पानी नहीं पी सकते न ले जा सकते हो, पर ध्यान भीम ने भी नहीं दिया, जैसे जल को पीना चाहते थे ऊपर से वज्रघात हो गया, सब भू पटरी पर गिर गए। अब चारों भैया पटरी पर गिर गए पर पानी नहीं आया। युधिष्ठिर महाराज ने विचार किया कि आज संकट में वो भैया ने धोखो दो है, नहीं मेरे भाई वो तो पीछे कबू नहीं हटे। ध्यान रखना जीवन में सब